किसकी जिम्मेवारी? देखिए, जो लोगों की आवाज़ है इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों का मैंडेट है, लोगों ने ऐसा चाहा होगा तो लोगों ने उस तरीके से वोटिंग की और उसमें इनके चार प्रत्याशियों को जताकर भेजा है। जहाँ तक मंडी की बात है, वहाँ उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सी आशाएं थी, बहुत डेवलपमेंट के काम थे जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे थे। अब क्योंकि वो जीती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें इन चीजों पर गहराई से सोचना चाहिए और आने वाले वक्त में इन इश्यूज को सेंटर में वो रेज करे, इसके ऊपर सेंटर लीडरशिप से बात करके हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करे। कहाँ कमियां रही? इसके बारे में तो अभी सोचना होगा। इट्स टू अर्ली टू से कि कहाँ कमी रही। वी हैव टू गो इन द फील्ड, वी हैव टू टॉक टू द पीपल, वी हैव टू टॉक टू द वर्कर्स एंड सी कि कहाँ कोई कमी रही जिसकी वजह से ऐसे नतीजे हमारे सामने आए हैं। जो असेंबली बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें 4 सीट पे कांग्रेस की विक्ट्री जी है, दो तरह का मैंडेट, इसको किस तरह से आंकते हैं? देखिए, जहाँ तक तो ये 4 सीटें पार्लियामेंट की थी वो तो स्पष्ट तौर से 4-0 का हमारा रिजल्ट रहा है, तो दैट वी एक्सेप्ट एंड वी से ओके, अब लोगों ने ये जनमत दिया है तो उसे हम स्वीकार करते हैं। और जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, आप जानते 4 सीटों पे हमारे उपचुनाव हो रहे थे जिसमें से हमने 4 सीटें जीती है, तो ये दर्शाता है कि हमने पिछली बार जिनको जिताया था उन्होंने ही पलटा खाकर, और वो बीजेपी के आधार पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसमें से हमने 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जीती है। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि लोग इस तरीके की स्विच ओवर पसंद नहीं करते। अगर आप ये अभी आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।